हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। सो गाइस, अभी शाम का टाइम हुआ है, समथिंग 4:30 बजे हुए हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं धूप आ रही है यहाँ पे। और मैं आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए बैठी हूँ अगेन। लास्ट टाइम मैंने जब बहुत सारी शॉपिंग की थी मीशो से, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी बहुत अच्छी शॉपिंग लगी हमें आपकी। और मैंने आपको ये भी पूछा था कि मुझे मेरे ब्लॉग्स के अलावा क्या क्या शेयर करना चाहिए, आपको क्या क्या देखना पसंद आएगा मेरे चैनल पे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि दीदी आपका शॉपिंग हॉल, आप कुछ भी शॉपिंग करते हो, कोई भी नई चीज़ लेते हो, कुछ भी करते हो, तो हमारे साथ शेयर किया करो। तो बस इसीलिए बैठ गई वापस आपके साथ शेयर करने के लिए। मैंने आपको बोला था ना ब्लॉग में कि मैंने मीशो से कुछ और भी स्टफ मंगवाया हुआ मेरे होम डेकोर के लिए, क्योंकि बर्तन तो मैंने बहुत सारे मंगवा लिए। इनफैक्ट अब मेरे हस्बैंड का मुंह बनने लगा है, मुंह बन जाता है उनका जैसे कोई सामान आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर डाली है मीशो से। आपको भी बताया कितनी सारी शॉपिंग कर डाली है, तो बर्तन तो बहुत हो गए। उन्होंने मुझे बोल दिया अब एक बर्तन नहीं मंगाना है, कितने बर्तन मंगा लिए तुमने, कितने मंगाओगी। लेकिन हम औरतों की आदत होती है, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते हमारे घर के सामान से, किचन के सामान से। हमें लगता है जब भी कोई अफोर्डेबल चीज देखते हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो, ऐसे हो जाता है। तो इस बार मैंने जो सामान मंगवाया था ना, मतलब जब मैंने किचन का मंगवाया था तभी ऑर्डर कर दिया था, एक एक करके आ रहा था, इसलिए जब मैंने सोचा जब सारा आ जाएगा ना तो आपको एक साथ शो करूंगी। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो पहना हुआ है मैंने, ये भी मीशो का ही है, ये कुर्ती भी और ये चुन्नी भी। इजंट इट ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये भी मैं आपको बाद में खड़े रह के दिखाती हूँ, मतलब पूरा लुक दिखाती हूँ कैसा लगता है। ये पूरा प्लाजो सेट है, कुर्ता सेट, और चुन्नी मैंने अलग से बाई की है, लेकिन सब कुछ मैंने मीशो से बाई किया है, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत प्यारी है, ये देखिए, इट्स अ वास, छोटा सा वास पॉट, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसका प्राइस और जो स्क्रीनशॉट होगा यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी मतलब आई है। मैं जब भी मीशो से कुछ लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि लोगों को बड़ी सारी गलतफहमी भी है मीशो के बारे में। और ये भी चीज़ बता देना ज़रूरी है कि वहाँ से सिर्फ आप मतलब सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है मीशो सिर्फ फ्री सेलिंग ऐप है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बिजनेस किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ से बिजनेस भी किया जा सकता है, यहाँ से आप जो है खुद के लिए भी बाई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी मतलब बात है, आप बिजनेस करना है बिजनेस कर लो, घर बैठे बैठे पैसा कमा लो, आपको खुद के लिए शॉपिंग करनी है तो आप खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हो। तो वेल, ये मेरी पहली चीज़ है जो मैंने मंगवाई है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी होम डेकोर की मंगवाई है मैंने, क्योंकि सब लोग बोलते रहते हैं दीदी घर खाली खाली है, खाली खाली है। तो मैं धीरे धीरे करके आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा घर जो है डेकोर किया जाए, लेकिन ये मुझे कुछ ज्यादा पसंद आ गया था, ये चुन्नी और ये कुर्ता सेट, इसलिए मैंने बाय कर लिया। तो ये मेरा पहला चीज है। फ्लावर्स की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो काफी अच्छे फ्लावर्स हैं, और काफी अच्छा ये पॉट है, ये देखिए यहाँ वुडन है और इसके अंदर ये रखा हुआ है, और पैकिंग इतनी अच्छी तरह से करके भेजते हैं। मैंने अभी तक ये डब्बा रखा हुआ है, काफी दिन हो गए आए हुए, लेकिन आपको दिखाने के लिए डब्बा रख दिया था। ये देखिए इस तरह से पैक करके इन्होंने भेजा था, कई सारी अंदर रैपर्स थे और साथ साथ इसके वो भी था बबल पैक। तो हमेशा हर चीज़ के साथ ही लोग भेजते हैं ताकि प्रोडक्ट को कोई भी डैमेज ना हो। तो ये मेरी पहली चीज़ है जो मैंने मंगवाई है, मुझे काफ़ी पसंद आई। विवेक का पहले तो मुंह बन गया था जब मैंने बोला कि मैंने चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन चीज़ें देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं मीशो से कुछ मंगवाती हूँ पहले गुस्सा सा करते हैं कि इतना सारा क्यों मंगवा लिया, लेकिन जब मैं कॉस्ट बताती हूँ ना तो खुश हो जाते हैं कि अरे यार तुम तो अफोर्डेबल चीज़ें ले लेती हो, बहुत अच्छी। और पता है क्या, अफोर्डेबल होने के साथ साथ अच्छी निकलती है ना, तो हस्बैंड्स फिर ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते, बाकी मुंह तो सभी हस्बैंड्स का बन जाता है जब वाइफ शॉपिंग करती है। तो ये मेरी फर्स्ट थिंग थी। इसके बाद एक बहुत प्यारी चीज़ मंगवाई है मैंने, वो भी होम डेकोर के लिए ही है। ज़्यादातर सारी चीज़ें मेरे होम के लिए, घर के लिए मंगवाई हैं। तो यहाँ पर मैंने पेंटिंग का 3 का सेट मंगवाया हुआ है, आपने ये देखा ही होगा, 2 छोटे छोटे हैं लंबे लंबे और 1 ये है, सॉरी उल्टा है ये। तो क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी पेंटिंग है। तो ये मैंने पता है कहाँ के लिए लिया है, ये मैंने लिया है मेरे डाइनिंग टेबल की साइड पे लगाऊंगी। अभी तो आपको मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, बाद में मैं आपको लगने के बाद भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं, और यहाँ पे ना ऐसे लगा हुआ था पॉली बैग, आप देख सकते हो यहाँ पूरा पॉली बैग से कवर है, काफ़ी अच्छी तरह से बेचते हैं। इसका मैंने हटा दिया था आपको दिखाने के लिए, देखिए कितनी सुंदर है, काफ़ी मजबूत है, पीछे हुक दिया हुआ है लगाने के लिए, तो बहुत अच्छी लग रही है। ये मैं डाइनिंग टेबल के सामने की साइड लगाने वाली हूँ 3। आप अगर मीशो से कोई भी चीज़ ले रहे हो ना तो बिल्कुल भी आपको डाउट रखने की जरूरत नहीं है। और वंस इन अ वाइल कोई कभी ऐसा किसी केस में ऐसा हो सकता है कि भाई कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, या साइज़ ठीक से नहीं आ रहा, या कोई डिफेक्टेड आ गई, या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसका मटेरियल आपको देखने में अच्छा लग रहा था वेबसाइट पे, मीशो के ऐप पे, लेकिन वैसे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी होती है। तो ये देखिए ये बढ़िया सी पेंटिंग्स हैं, लगने के बाद भी आपको दिखा दूंगी। ये देखिए इस तरह से इन्होंने कवर करके भेजा है, मैं आपको एक पे हटा के भी दिखा देती हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छा है, ये देखिए लाइट में आपको पता ही चल रहा होगा, मटेरियल भी बहुत अच्छा है और पेंटिंग भी बहुत अच्छी है।
तो एक मैंने ये मंगवाया है। अभी नेक्स्ट मंगवाया है मैंने ये, इसके अंदर पोस्टर है एक जिसको मुझे फ्रेम करवाना है, तो आपको निकाल के दिखाती हूँ। आपको पता है मैं गणपति में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है मेरे गणपति से, तो मुझे एक वॉल है मेरे मंदिर के ऊपर के साइड, तो वहाँ मुझे लगवाना है, तो उसके लिए मुझे फ्रेम करवाना है। तो ये पोस्टर मैंने मंगवाया है, बहुत ही रीजनेबल है। सबके प्राइस मैं आपको प्रोडक्ट के साइड पे ज़रूर मेंशन कर दूंगी, स्क्रीनशॉट इसका भी मेंशन कर दूंगी प्राइस, तो देख लेना आप कितना सुंदर पोस्टर है। काफ़ी मोटा मटीरियल है, काफ़ी अच्छा है, तो आप देखिए कितना खूबसूरत है। और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे पोस्टर्स, बहुत ह्यूज रेंज है उनके पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो जब सारी चीज़ें फ्रेम होके घर में लग जाएंगी तभी भी आपको मैं दिखा दूंगी मेरे ब्लॉग के अंदर। इसके बाद मैंने एक और पोस्टर मंगवाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, विवेक को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वो इतने खुश हो गए देख के, बोले वाओ ये भी हम लोग डाइनिंग टेबल के साइड की वॉल पे लगाने वाले हैं। एक वॉल है जो एम्प्टी है, मतलब मैं दिखाऊंगी आपको, काफ़ी बड़ी वॉल है। तो इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये एकदम मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कागज़ का है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर कुछ वुड है या समथिंग है। तो ये देखिए मैं आपको लाइट में दिखाती हूँ, आपको मटेरियल समझ आ जाएगा। माय गॉड लाइट ही नहीं पड़ रही इस पर, ये देखिए, ये देखिए, तो काफ़ी मोटा मटेरियल है, बहुत अच्छा पोस्टर है। तो इसको भी मैं फ्रेम करवाने वाली हूँ और जब लगाऊंगी मेरी वॉल पे आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और आपसे तो कुछ मैं छुपा नहीं सकती चाह के भी, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग रोज़ देखते हो। तो इतनी सारी शॉपिंग पे विवेक ने जो है थोड़ा सा मुंह तो बनाया लेकिन फिर खुश हो गए। इसके बाद मैंने एक छोटी सी ना बड़ी यूज़फुल चीज़ ली है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही रीज़नेबल है प्राइस, यहाँ पर मैंशन होगा। तो ये देखिए ये इस तरह से टांगने वाला वो है, यहाँ से टांग दो, क्योंकि मेरे घर में ना आपने देखा होगा सामान बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरा जो स्टोर रूम है उसमें भी मैंने शेल्फ वगैरह नहीं लगवाए, और कपड़ों की अलमीरा हमेशा मुझे कम पड़ती है, मतलब बच्चों की भी, मेरी भी, विवेक की भी। तो ये एक ले लिया है मैंने, इस तरह से टंगा देना होता है इसको, और यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, सॉक्स, दूसरे वाले में सॉक्स, यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें, हैंकी, तो ये छोटे छोटे से पार्टीशंस हैं, बहुत रीजनेबल है, यानी सुपर अफोर्डेबल है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है घर के लिए। इसके बाद खाली एक ही है जो मैं आपको ज्वेलरी सेट दिखाने जा रही हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ज्वेलरी सेट, ये देखिए इस टाइप का है, इस टाइप का मेरे पास एक और भी है और ये मीशो से लिया है मैंने, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है और बहुत अफोर्डेबल है। तो इस तरह से टाइट भी कर सकते हो आप गले में पहनने के बाद, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप किसी भी साड़ी के साथ ऐसे वैसे पहन सकते हो। और मीशो पे ना काफ़ी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया, पहले भी मैं इसके नेक पीसेज वगैरह मंगवा चुकी हूँ जो आपको काफ़ी पसंद भी आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि दीदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसकी जो इयररिंग्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये देखिए कुछ इस टाइप से इसके इयररिंग्स हैं, काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप किसी पार्टी में भी पहन के जाएंगे ना साड़ी के साथ तो बात बन जाएगी, मतलब लुक्स आ जाएंगे। तो ये टोटल मैंने मेरी शॉपिंग थी जो मैंने अभी की थी रिसेंट। इसके अलावा ये ड्रेस है, ये कॉटन का है, मटेरियल बहुत ही अच्छा है, चिकन है, आप देख सकते हो चिकन का मटेरियल है, ये देखिए चिकन मटेरियल है, आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए इतनी डिज़ाइनर इसकी जो स्लीव्स हैं, काफ़ी डिज़ाइनर टाइप की हैं, और कपड़ा काफ़ी अच्छा है, आप नहीं बोल सकते कि हल्का चिकन है, यहाँ अंदर उन्होंने लाइनिंग दिया हुआ है पूरा वाइट कलर का प्लेन। और ये चुन्नी आप पहले भी देख चुके हो, मैंने इस टाइप की चुन्नी जयपुर से ली थी, सुपर सुपर अफोर्डेबल है। इसके नीचे इसी कलर का आपको प्लाजो पैंट भी मिलता है, यहाँ कहीं होगा पिक्चर तो आप देख लीजिए, और इसका प्राइस भी मेंशन है, तो काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो इसका बॉटम है, इसके बॉटम पे भी आपको ऐसे मिल जाएगा, ये देखिए इसके बॉटम पे भी उन्होंने इस तरह का डिटेलिंग दिया हुआ है जैसा डिटेलिंग उन्होंने यहाँ पे दिया है, तो काफ़ी खूबसूरत है ये, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है ये और मुझे बहुत पसंद आया है। तो बात करते हैं इस चुन्नी की, तो ये चुन्नी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसका भी यहाँ पे प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से पूरे चुन्नी पे डिटेल है लेस का, यहाँ पे पूरा पर्ल वाला लेस लगा हुआ है, कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा सेम मैंने जयपुर से लिया था सेम वैसी ही चुन्नी है, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है सूट के साथ। आप ये चुन्नी किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन कर सकते हो, कोई भी ड्रेस के साथ चुन्नी जाती है। तो ये आज की मेरी टोटल शॉपिंग है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो एंड करने से पहले
आपको फिर से दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ कि मीशो क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। मीशो जो है वो एक रीसेलिंग ऐप है, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो बिजनेस भी कर सकते हो। घर बैठे जो हम हाउसवाइफ्स होते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं करना लाइफ में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सब कुछ कर पाएँ। अगर आपको एक साइड बिजनेस की तरह भी इसे करना है, अगर आप जॉब भी करते हो और साइड बिजनेस की तरह, तो भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। नीचे मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डाउनलोडिंग लिंक दिया है इस ऐप को, आपको मेरा रेफरल कोड लगाते हुए इसको डाउनलोड करना है, यानी कि जो नीचे लिंक है वहां से डाउनलोड करना है। मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां पे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी वहां कैटलॉग मिलेंगे वहां से आपको जो भी पसंद आता है, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करने का। आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वो प्रोडक्ट, आपकी फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव के साथ। अगर किसी को पसंद आता है तो आपका मार्जिन बीच में रखिए, उसके बाद उनको प्राइस बताइए। अगर वो डन करते हैं उनका एड्रेस ले लीजिए, वापस मीशो ऐप पे आइए, आपका मार्जिन ऐड करके आप उनका एड्रेस डाल के, कैश ऑन डिलीवरी डाल के उनको भेज दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहां से ऑर्डर प्लेस करना है, उन तक पहुंचाने का काम है मीशो का, और बीच में जो मार्जिन है वो है आपकी कमाई। यस, तो इस तरह से आप घर बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा मिल सकता है। मैंने भी मीशो ऐप से काफी पैसा कमाया है, मतलब अभी जो भी मेरी जब एक अच्छी रकम हो जाएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने कितना पैसा कमाया, और वहां से मैं शॉपिंग भी करती हूँ, तो दोनों काम वहां से किए जा सकते हैं। बिल्कुल मत भूलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक चेकआउट करना, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको देखना है प्रॉपर वीडियो कि किस तरह से मीशो ऐप काम करता है, किस तरह से आपको वहाँ पे सब कुछ करना है, तो उसके लिए आपको नीचे मिल जाएगा मेरे फर्स्ट मीशो के वीडियो का लिंक। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरा बताया हुआ है डिटेल में कि किस तरह से करना है, इवन स्क्रीन पे भी दिखाया हुआ है कि आपको कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, वहां जाके क्या क्या करना है। तो बिल्कुल कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर आपको देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है चेकआउट कर सकते हो नीचे से। तो चलिए फिर इस वीडियो को एंड करती हूँ इस आशा के साथ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके जो लाइक्स है ना वो ही बताते हैं कि वीडियोज आपको पसंद आते हैं या नहीं, हमारा काम अच्छा लग रहा है या नहीं, और हौसला भी बढ़ जाता है थोड़ा सा काम करने का। तो यार इतना समझना, और मेरे जैसी जितनी भी शॉपोहॉलिक लेडीज हैं, क्योंकि मैं काफी शॉपोहॉलिक हूँ, और होता क्या है कि जो लेडीज शॉपिंग की शौकीन होती हैं उनके पति की पॉकेट जो है वो काफी ज्यादा खाली हो जाती है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर आप मीशो से शॉपिंग करेंगे, मीशो से शॉपिंग करेंगे लाइक मैं जैसे करती हूँ, तो आपका काफी आप अपने हस्बैंड का पैसा बचा सकती हूँ, और हस्बैंड का मुंह बनने के बाद भी हस्बैंड जो है एट लास्ट तो खुश हो ही जाएंगे कि मेरी बीवी ने बहुत स्मार्ट शॉपिंग की है। तो जरूर से ट्राई कीजिएगा मीशो से शॉपिंग, मीशो से अर्निंग, आप काफ़ी अर्न कर सकते हो, ट्रस्ट मी। थोड़ी सी मेहनत करनी है, बैठे बैठे फ़ोन पे उंगलियां घुमानी है टाइम निकाल के, दैट्स इट। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करना, पसंद आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लव यू।